महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के मंत्री के ऊपर एजेंसी के द्वारा एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है और इस बड़ी कार्रवाई की वजह से उस मंत्री की पूरी तरह से नींद उड़ चुकी है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वसूली कांड में पिछले काफ़ी टाइम से 100 करोड़ वसूली कांड में ईडी की तरफ से छानबीन की जा रही है और ईडी ने कई बार समन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब ईडी ऑफिस नहीं पहुँचे अनिल देशमुख, उसके बाद ईडी की तरफ से कार्रवाई होनी स्टार्ट हुई और कल मॉर्निंग में ही इस चीज़ की अपडेट आ गई थी कि 4 करोड़ 20 लाख रुपये की प्रॉपर्टी जो है वो अनिल देशमुख के सीज कर दी गई है। लेकिन अभी अभी उससे भी बड़ी अपडेट रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख की सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी सीज नहीं की गई है, बल्कि उससे बड़ी प्रॉपर्टी जो है सीज की गई है। आपको बता दूं कि अनिल देशमुख की 2 प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई है, 2 जगहों पे ईडी के द्वारा रेड मारा गया और 2 के 2 प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया। और कहां पर क्या सीज हुआ और कितने का सीज हुआ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो आपको बता दूं कि एक वर्ली में एक फ्लैट है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, वो अनिल देशमुख के नाम पे था, उसको ईडी की टीम ने सीज कर लिया है। इसकी कीमत जो फ्लैट है 1.5 करोड़ रुपए है। अब दूसरा जो है, रायगढ़ जिले में एक थूमन नाम के एक गांव है जिसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को अपडेट मिली थी, जिसमें सलील देशमुख को लेकर अपडेट आई थी कि सलील देशमुख केस में भी ईडी ने छानबीन करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको बता दूं कि सलील देशमुख ने एक प्राइवेट कंपनी के नाम पे एक प्राइवेट कंपनी के साथ में मिलकर 2004 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और ये धूमन गांव में, और जिसकी कीमत उस टाइम 2.66 करोड़ थी, मतलब 2 करोड़ 66 लाख रुपए उस टाइम था। और ये जो है सलील देशमुख ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और अनिल देशमुख की कीमत जो है 1.5 करोड़, ये दो के दोनों चीज़ों को सीज किया गया, जिसकी कीमत टोटल जो ईडी की तरफ से बताई गई कि इसकी कीमत 4.20 लाख करोड़ यानी कि 4 करोड़ 20 लाख रुपये है। लेकिन अभी अभी जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये दोनों जो प्रॉपर्टी की गई ये उस टाइम की कॉस्ट थी, यानी कि जिस टाइम इसको खरीदा गया था ये पूरी की पूरी कीमत उस टाइम 4 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदी गई थी, लेकिन ये 2004 में खरीदी गई थी। अभी 2004 से अभी ये 2021 में इसकी कीमत बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो गई, यानी कि जो 8 एकड़ जमीन जो सीज किया गया है ईडी के द्वारा उसकी कीमत 2004 में 2.66 करोड़ थी, लेकिन अभी उस जमीन की कीमत 350 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं से काफ़ी बड़ी बात है कि ईडी ने 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो अनिल देशमुख और अनिल देशमुख के बेटे की सीज की है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।